हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नई वैकेंसी आई है, टीचर वैकेंसी है। नई शिक्षा भर्ती 2023 की मई महीने में यहाँ पे आई हुई है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन आयोग 2023 के द्वारा इसको निकाला गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो है यहाँ पे, उनके द्वारा इस चीज़ को निकाला गया है। देखिए, इसमें बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एक्चुअली मैं आपको बता दें, यहाँ पे स्टार्टिंग में मांगा गया आपसे जो MP हाई स्कूल टेट एग्जाम है, जो MP वाले हैं वहाँ पे टेट एग्जाम वो देंगे, MP हाई स्कूल टेट एग्जाम। ठीक है, डिटेल बात करते हैं, सैलरी से लेकर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेट की अगर हम बात करें कब से भाई शुरू होने फॉर्म, तो 18 मई से फॉर्म अप्लाई होने आपके शुरू हो गए हैं और ये आपके चलेंगे 1 जून तक, आपको लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, करेक्शन विंडो भी इसमें है, तो करेक्शन विंडो आपकी बराबर चलती रहेगी, लेकिन लास्ट डेट 6 जून होने वाली है। ठीक है, फीस की बात करें, देखिए भाई सीधी भर्ती है, यहाँ पर सिर्फ एक परीक्षा आपको देनी है, उसकी डिटेल बताऊँगा। लेकिन सीधी भर्ती में जो आपकी जो जनरल की है 500 रुपये फीस है, बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनकी 250 रुपये फीस हो जाती है। ठीक है, एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट्स आपकी देखिए 2 अगस्त से यहाँ पर स्टार्टेड है। कई फेज में अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, अब वो फेज़ में वैकेंसी के हिसाब से पता चलता है, जैसे फॉर्म भरे जाते हैं। अगर फॉर्म ज़्यादा होते हैं तो कई फेज़ में, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर फॉर्म्स कम होते हैं तो एक ही दिन में हो जाता है। ठीक है, देखिए परीक्षाएं आपकी 2 पाली में होने वाली है, जो सुबह की पाली है 9:30 से 11:30 और शाम वाली 3 से 5। ठीक है, डिटेल बात करते हैं अभी आगे चल के। एज की बात कर लें, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम कोई निर्धारित नहीं है। अगर आप मेल कैटेगरी से, जनरल से हो, अनारक्षित वर्ग के, तो 40 साल हो जाती है, और अगर फीमेल से हो 45 साल। बाकी कैटेगरीज जो बनती हैं उनकी जो है 45 साल मैक्सिमम एज हो जाती है। ठीक है, लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए, टिल डेट बात करें जो आती है ना, कि आप कब तक आपकी एक उम्र होनी चाहिए, एग्जैक्ट मतलब डेट पता होनी चाहिए ना, कि इस दिन तक आप पूर्ण हो जाने चाहिए, वो 1 जनवरी 2023 रखा गया। अगर 1 जनवरी 2023 तक आपकी 21 साल उम्र हो जाती है मिनिमम, तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते। एलिजिबिलिटी है तरीके से अर्हता जिसको कहा जाए, तो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। देखिए, पद क्या है यहाँ पे, उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद है, श्रेणी द्वितीय श्रेणी की यहाँ पे जॉब्स हैं आपकी। देखिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इस फॉर्म को भरने के लिए 2018 या 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, ये MP वालों के लिए है। ठीक है, संबंधित विषय में सेकंड डिवीज़न इन ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब जो विषय से आप भाई ग्रेजुएशन किया, बीएड किया आपने, तो उसमें सेकंड डिवीज़न होना चाहिए मिनिमम, एंड बीएड या BTC होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं पे पदों की संख्या की बात कर ले भाई, किस सब्जेक्ट में कितने पद आए हुए हैं, तो पद यहाँ पे देखिए टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे हैं। टोटल पद 8720 पद यहाँ पे निकल के आते हैं। हिंदी या सब्जेक्ट की बात करें 509 है, एक स्क्रीन पे आपको सही लिस्ट दिख रही होगी, हिंदी की 509 है, इंग्लिश की 1763 है, संस्कृत की 508 है, मैथ्स की 1362, बायो की 755, फिजिक्स की 777, केमिस्ट्री की 781, हिस्ट्री की 304, पॉलिटिकल साइंस की 284, ज्योग्राफी की 149, इकोनॉमिक्स की 287, सोशियोलॉजी की 88, कॉमर्स की 514, एग्रीकल्चर की 569 और होम साइंस की 28 और उर्दू सब्जेक्ट की 42 पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट आपको डिटेल्स मैंने बताया, स्क्रीन पे आपने इसकी लिस्ट भी देखी है। देखिए, सैलरी की अगर हम बात कर ले फाइनली, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग सैलरी आपकी 36200 प्लस महंगाई भत्ते वगैरह जोड़ के कुछ अलाउंसेस भी देते हैं, तो आपकी सैलरी थोड़ा 36 से प्लस में चली जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। फाइनली जाते जाते सैलरी काफ़ी लैक्स में जाती है, लेकिन स्टार्टिंग बताया गया यहाँ पे 36200 प्लस महंगाई भत्ते आपके अलाउंसेस के रूप में मिल जाता है। एग्जाम डेट्स की, एग्जाम सेंटर्स की बात करें, लिस्ट देखिए अपने स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, टोटल 17 सेंटर हैं जहाँ पे आप परीक्षाएं दे सकते हैं। तो अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको चूज करना है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 4 एग्जाम सेंटर मिनिमम चूज करना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, तो मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, देखिए टोटल यहाँ पे 16 विषय है जिस पे परीक्षाएं होंगी, तो आपका कौन सा विषय है इसमें, ये लिस्ट आप स्क्रीन पे देखिए, और ये 16 के 16 विषय हैं, इनकी लिस्ट आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स करके इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके हिसाब से आप दे सकते हो उसको। देखिए, स्तर है एग्जाम का जो 11th एंड 12th के स्तर पे जो बेस है, 11th एंड 12th है, उसी पे आएगा। जो डिटेल सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। देखिए, सिलेबस की लिस्ट काफ़ी लंबी है, बेस तो 11th 12th ही है, लेकिन परीक्षा का जो सिलेबस है यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, तो वो भी जानना जरूरी है, और वो चीज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, जो डाउनलोड करके आप देख सकते हो। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस एट फाइनली मैं आपकी बात कर लेता हूँ, क्या मतलब प्रोसेस है। देखिए, जैसे सीधी भर्ती मैंने कहा, तो सीधी भर्ती में क्या है कि एक परीक्षा तो होगी होगी, मैंने बताया था 2 पाली में परीक्षाएँ होंगी। ठीक है, तो एक पेपर होगा और उसी पे जो है मेरिट बनेगी।
ठीक है, एक पेपर होगा उस पर मेरिट बनेगी, और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई है वहाँ से आपकी जो 60% मिनिमम था वहाँ से लेके वहाँ भी मेरिट बनेगी, इन दोनों को जोड़ के आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और पेपर पैटर्न मैंने बता दिया। सिलेबस के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम, वहाँ पर जो है मैं अपलोड करवा दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल न्यूज़ थी, सैलरी बताया, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन जो डिटेल मैंने एलिजिबिलिटी बताई, अगर आप एलिजिबल हो तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके अप्लाई करिए आप लोग। कोई क्वेरी या कमेंट्स हैं अभी भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।